गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी एक्सप्लेन लेसन नंबर 3, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड पार्ट 2। पार्ट 2 में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड क्या होता है? प्राथमिक चिकित्सा, यानी डॉक्टर के आने से पहले जो भी किसी पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। इन स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल समटाइम्स एक्सीडेंट डू हैपन। केयरफुल होने के बावजूद, यानी सावधानी बरतने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है, हम एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। एक्सीडेंट कैन हर्ट और इंजोर अस। एक्सीडेंट से हमें चोट भी लगती है और हम हर्ट भी होते हैं। इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट यू शुड फर्स्ट इन्फॉर्म एन एडल्ट और अ डॉक्टर। इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, किसी भी एक्सीडेंट की कंडीशन में हमें अपने से बड़ों को या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। टिल द डॉक्टर अराइव्स यू कैन गिव फर्स्ट एड टू द विक्टिम। लेकिन डॉक्टर के आने से पहले यू कैन गिव फर्स्ट एड टू द विक्टिम। आप शिकार हुए, जिसको कि चोट लगी है या एक्सीडेंट हुआ है, उसको आप फर्स्ट एड दे सकते हैं। फर्स्ट एड इज़ द एड ऑफ ट्रीटमेंट गिवन टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर। फर्स्ट एड एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि डॉक्टर के आने से पहले किसी भी पेशेंट को दिया जाता है। टाइमली फर्स्ट एड कुड प्रिवेंट अ विक्टिम्स कंडीशंस फ्रॉम वर्सनिंग। अगर हम समय पर प्राथमिक चिकित्सा पीड़ित की स्थिति को बिगड़ने से रोक सकती है। क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा देते समय हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए। टाइमली फर्स्ट एड कुड प्रिवेंट अ विक्टिम्स कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग। समय पर प्राथमिक चिकित्सा पीड़ित की स्थिति को बिगड़ने में रोक सकती है। ऑलवेज बी वेरी काम वाइल गिविंग फर्स्ट एड। जब भी हम किसी को फर्स्ट एड दे रही हूँ तो हमेशा शांत रहना चाहिए और कामफुल होके हमें वो फर्स्ट एड उसको देना चाहिए। नाउ वाउंड्स। वाउंड्स क्या होता है? घाव। फॉर वाउंड्स कट्स एंड स्क्रेचेस। घाव लगने पे, कटने पे या स्क्रैचेस पड़ने पर फर्स्ट वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर। अपने हाथों को पानी से और साबुन से धोइए। देन वॉश द वाउंड अंडर रनिंग वाटर एंड क्लीन इट विद एन एंटीसेप्टिक लोशन। उसके बाद धोने के बाद अपने वाउंड है उसको जब आप धो रहे हैं तो रनिंग वाटर के नीचे धोना चाहिए और उसे साफ करके उस पर कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए। कवर द वाउंड विद अ बैंडेज और कॉटन गैज, और कॉटन की पट्टी से उस वाउंड को, उस घाव को कवर कर देना चाहिए। समटाइम्स द कट कैन बी डीप एंड ब्लीड मोर। कभी कभी क्या होता है, जो घाव होता है वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है और ब्लड जो है वो बहता चला जाता है। इन सच अ केस यू मस्ट ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाई यूजिंग अ टर्निकेट। इस कंडीशन में हमें क्या करनी चाहिए? यू मस्ट ट्राई टू स्टॉप अ ब्लीडिंग। हमें एक टर्निकेट यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम उस बहते हुए ब्लड को रोक सके। टर्निकेट इज़ अ कॉर्ड और बैंडेज दैट इज टाइट टाइटली अराउंड अ लिम्ब टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड। टर्निकेट एक ऐसा बैंडेज है जिसकी हेल्प से हम लिम्ब के चारों तरफ बहुत तेज़ी से बांध देते हैं। जहाँ से ब्लड बह रहा होता है ना, उसके ऊपर से बांधते हैं, नीचे की तरफ नहीं बांधते ना, उसके ब्लड जहाँ चोट लगी होती है उस पर बांधते हैं, उसके ऊपर की तरफ बहुत टाइट से पट्टी बांधते हैं जिससे कि वो ब्लड जो है बहना रुक जाता है। इट शुड ऑलवेज बी टाइट अबव द वाउंड एंड नेवर ऑन द वाउंड। कभी भी घाव के ऊपर नहीं बांधना चाहिए उसे, घाव से ऊपर बांधना चाहिए, घाव के ऊपर नहीं, ठीक है, घाव से ऊपर जहाँ चोट लगी है उससे ऊपर के हिस्से में। रिमेंबर टू गो टू अ डॉक्टर एंड गेट एन एंटी टिटनेस इंजेक्शन आफ्टरवर्ड। उसके बाद हमेशा हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एंटी टिटनेस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। नोज ब्लेड। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा गर्मियों में मोस्टली लोगों की नोज ब्लीडिंग होती है, नाक से ब्लड आता है। तो नोज ब्लेड इज़ ए ड्रिपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द नॉस्ट्रिल। नोज ब्लेड जो होते हैं वो ब्लड की ड्रिपिंग होती है जो कि हमारे नॉस्ट्रिल से होती है। इट हैपन्स व्हेन ब्लड वेसल्स इनसाइड अवर नोज बस्ट। ये तब होता है जब हमारी नोज की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बस्ट हो जाती हैं। इन केस ऑफ नोज ब्लेड फॉलो दिस सिंपल स्टेप्स। हमें कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करने चाहिए जब हमारे नोज में ब्लीडिंग हो रही हो। ट्राई टू स्टे काम एंड रिलैक्स। शांत और तनाव मुक्त रहने की कोशिश करनी चाहिए। सिट अप स्ट्रेट, सीधे खड़े होना चाहिए। एंड लीन स्लाइटली फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के, डू नॉट लाई डाउन, लेटना नहीं चाहिए। पिंच योर नॉस्ट्रिल्स क्लोज फॉर अ फ्यू मिनट्स वाइल ब्रीथिंग थ्रू योर माउथ। अपने मुंह से सांस लेते हुए कुछ मिनट के लिए नॉस्ट्रिल को बंद कर देना चाहिए। प्लेस एन आइस पिक ऑन द ब्रिज ऑफ योर नोज, और नोज के ऊपर आइस का पैक लगाना चाहिए। नंबर नेक्स्ट है आपका स्प्रेन। स्प्रेन मीन्स होता है मोच। कभी कभी पैरों में मोच आ जाती है, हाथ पे मोच आपने सुना होगा। समटाइम्स वी एक्सीडेंटली ट्विस्ट अ जॉइंट रिजल्टिंग इन टॉर्न लिगामेंट्स। कभी कभी क्या होता है, जॉइंट्स में से लिगामेंट्स भी टूट जाते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ए स्प्रेन। इस कंडीशन को कहते हैं हम मोच। स्प्रेन्स कैन बी वेरी पेनफुल। स्प्रेन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द वाला होता है। द इंजर्ड पार्ट स्वेल्स अप एंड समटाइम्स द स्किन ऑफ दैट एरिया टर्न्स ब्लू। जिस
जिस एरिया पे स्प्रेन होता है, इंजर्ड पार्ट होता है वो सूज जाता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है वो एरिया बिल्कुल ब्लू कलर का हो जाता है। रब आइस ऑन द स्वेलिंग टिल इट बिकम्स लेस। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आइस जो है वो उसके स्वेलिंग पोर्शन पे, जहाँ पे कि स्वेलिंग हो रही है उस पर आइस के पोर्शन, आइस को जो है रब करना चाहिए, रगड़ना चाहिए धीरे धीरे, जिससे कि स्वेलिंग कम हो जाए। फॉर सपोर्ट टाई अ बैंडेज इन अ फिगर ऑफ एट। उसके बाद जो फिगर एट में दे रखा है, इस तरह से हमें बैंडेज बांधनी चाहिए। इट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ जॉइंट सच एज एल्बो, नी, रिस्ट एंड एंकल। और ये जो है मैक्सिमम मूवमेंट ये जॉइंट्स पे होता है, जैसे एल्बो है, नी है, रिस्ट है और हमारा एंकल है। अब आता है हमारा फ्रैक्चर। फ्रैक्चर कब होता है, व्हेन अ बोन ब्रेक्स और क्रैक। जब कोई बोन, जब कोई हड्डी ब्रेक हो जाती है या क्रैक हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर। दिस कैन कॉज अनबियरेबल पेन। इसमें जो पेन होता है वो ऐसा होता है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, अनबियरेबल होता है, जिसका कि हम बता ही नहीं सकते। मेक श्योर द पेशेंट इज़ मेड कंफर्टेबल एंड काम। पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि पेशेंट जिसको कि फ्रैक्चर हुआ है उसको कंफर्टेबल और शांत रखें। डू नॉट ट्राई टू मूव द पेशेंट और टच द इंजर्ड एरिया। और उसको पेशेंट को जो है मूव नहीं कराना चाहिए ऐसी कंडीशन में जब फ्रैक्चर होता है, और ना ही उसके इंजर्ड एरिया को टच करना चाहिए, एज इट मे कॉज फर्दर इंजरी टू द ब्रोकन पार्ट। क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है, जो ब्रोकन पार्ट है उसमें और भी इंजरी हो सकती है। टेक द पेशेंट इमिडिएटली टू डॉक्टर। तुरंत जो है डॉक्टर के पास पेशेंट को लेके जाना चाहिए। द फ्रैक्चर्ड एरिया नीड्स अ रिजिड सपोर्ट कॉल्ड स्प्लिंट। क्योंकि जो फ्रैक्चर एरिया होता है उसको एक सपोर्ट की जरूरत होती है, जिसे हम स्प्लिंट कहते हैं। स्प्लिंट विल प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोन एंड हेल्प अवॉइड इंजुरीज टू द सराउंडिंग एरिया। स्प्लिंट क्या करती है, वो जो है बोन के डिस्प्लेसमेंट को बचा के रखती है और हेल्प अवॉइड दूसरी जो इंजुरीज हो सकती हैं उस एरिया में, उसकी हेल्प से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। यू कैन यूज़ अ न्यूज़पेपर, अ मैगजीन और अ कार्डबोर्ड एज अ स्प्लिंट। हम स्प्लिंट के रूप में कार्डबोर्ड, मैगजीन और न्यूज़पेपर को यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ फ्रैक्चर्ड आर्म। अगर आर्म में फ्रैक्चर हुआ है, डू नॉट लेट इट हैंग डाउन, तो हाँ उसको लटकाना नहीं चाहिए। इंस्टीड यूज़ अ स्लिंग टू सपोर्ट इट। स्लिंग के सपोर्ट की जगह ए स्लिंग इज़ अ फ्लैक्सीबल स्ट्रैप यूज इन द फॉर्म ऑफ लूप और सपोर्ट। इससे हमें उस स्लिंग की सहायता से हमें उसका सपोर्ट मिलता है, फ्लेक्सिबल होता है वो। इट इज़ इन एन इमरजेंसी यू कैन इवन यूज़ अ दुपट्टा फॉर अ स्लिंग। और इस बहुत ज़्यादा अगर इमरजेंसी की कंडीशन है तो उस केस में आप स्लिंग के रूप में अपने दुपट्टे को भी यूज़ कर सकते हैं। बर्न, बर्न यानी जलना। सिंपल बर्न्स क्या होते हैं, सिंपल बर्न कैन बी ट्रीटेड एट होम। अगर साधारण सा जलन है तो उसको हम अपने घर में ट्रीट कर सकते हैं। इमीडिएटली पुट द बर्न एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर। जो पोर्शन हमारा जल गया है उसको रनिंग वाटर के नीचे जो है रख दीजिए, टिल द पेन बिकम्स लेस। जिस रनिंग वाटर के नीचे अगर हम जले हुए एरिया को रखते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा जो हमारा पेन है जलने का वो थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद हमें उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगा देना चाहिए, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन। सीवर बर्न्स यानी कि जो बहुत ज़्यादा बर्न हो जाता है तो कैन फॉर्म ब्लिस्टर्स, तो वो ब्लिस्टर्स का रूप ले लेता है, यानी फफोले पड़ जाते हैं। नेवर टच और प्रेक अ ब्लिस्टर। कभी भी ब्लिस्टर्स को टच नहीं करना चाहिए और ना ही उसे फोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, एज इट विल देन बिकम एन ओपन वाउंड एंड विल कैच इन्फेक्शन। क्योंकि अगर वो हम उसे खुला रखेंगे तो क्या होगा, उस पर इन्फेक्शन हो सकता है। जेंटली कवर दिस ब्लिस्टर विद अ क्लीन पीसेज ऑफ क्लोथ। जो भी ब्लिस्टर हमारे निकल हो आ जाते हैं उसको हमें साफ कपड़े से जो है उसको ढक देना चाहिए। सेवर बर्न्स शुड बी ट्रीटेड बाय योर डॉक्टर। सेवर बर्न्स के लिए हमें हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। केमिकल बर्न्स, अगर किसी केमिकल से जलता है, नीड्स टू बी ट्रीटेड बाय योर डॉक्टर। तब भी हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। लेकिन डॉक्टर के आने से पहले वॉश द अफेक्टेड एरिया विद प्लेंटी ऑफ वाटर। सेम वही कि अफेक्टेड एरिया को प्लेंटी ऑफ वाटर से धोना चाहिए, लाइटली कवर इट विद अ पीस ऑफ क्लीन क्लोथ, और हल्के कपड़े से ढक देना चाहिए। एनिमल बाइट्स, कभी कभी क्या होता है, डॉग है, स्नैक है, ये एनिमल्स जो होते हैं वो काट देते हैं। डॉग्स, कैट्स, मंकीज एंड मैनी अदर स्ट्रे एनिमल्स में क्या रेबीज, उनके अंदर क्या होता है, रेबीज होता है, जो कि एक वायरस है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी एनिमल बाइट इमीडिएटली वॉश द अफेक्टेड एरिया विद सॉप एंड वाटर। किसी भी केस में अगर किसी एनिमल ने आपको काटा है तो पानी से और साबुन से उस अफेक्टेड एरिया को तुरंत वॉश कीजिए। इट प्रिवेंट्स द जर्म्स फ्रॉम गेटिंग इनटू योर बॉडी। क्योंकि इससे क्या होगा, जो जर्म्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन एंड कवर विद अ बैंडेज। उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन लगाकर उसको बैंडेज से कवर कर दीजिए। टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर। उसके बाद
डॉक्टर के पास लेके जाइए। नॉट ऑल स्नैक्स आर पॉइजनस, सभी स्नैक जो होते हैं वो पॉइजनस जहरीले नहीं होते। हाउएवर वन नीड्स टू बी केयरफुल, लेकिन तब भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। ए बाइट फ्रॉम अ पॉइजनस स्नैक कैन बी डेंजरस, क्योंकि पॉइजनस स्नैक की एक बाइट भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। इफ़ टाइमली ट्रीटमेंट इज़ नॉट गिवेन, अगर समय से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो क्या होता है, द विक्टिम कैन इवन लूज हिज लाइफ। तो जो विक्टिम होता है, विक्टिम यानी जो शिकारी होता है, जिसको कि स्नैक ने काटा होता है, वो अपनी लाइफ से हाथ धो बैठता है। फॉलो दीज गाइडलाइंस इन केस ऑफ स्नैक बाइट, इन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए जब किसी केस में स्नैक ने बाइट कर लिया, स्नैक ने काटा हो। कीप द पर्सन काम एंड स्टिल, मूवमेंट कैन कॉज द विनोम टू स्प्रेड क्विकली टू अदर पार्ट्स ऑफ, उस पर्सन को तुरंत जो है हमें शांत करना चाहिए, क्योंकि जो विनोम होता है, जो जहर होता है, वो तेज़ी से बॉडी के हर पार्ट में फैलना स्टार्ट हो जाता है। पोजिशन द पर्सन सो दैट द बाइट एरिया इज़ बिलो द हार्ट लेवल, उस पर्सन को इस पोजिशन में रखना चाहिए कि जो बाइट एरिया है तो वो हार्ट लेवल से नीचे हो। कवर द वाउंड विद अ क्लीन ड्राई ड्रेसिंग, उसके बाद उस वाउंड एरिया को कवर कर देना चाहिए साफ से और उसकी ड्रेसिंग करनी चाहिए। रिमूव क्लोथिंग और ज्वेलरी अराउंड द बाइट एरिया, वहाँ पे अगर कोई क्लोथ है या कोई ज्वेलरी है तो बाइट एरिया पे, तो उसको रिमूव हटा देना चाहिए। डू नॉट गिव द पर्सन टी और कॉफ़ी टू ड्रिंक, पीने के लिए ऐसे पर्सन को कभी भी टी या कॉफ़ी नहीं देनी चाहिए। टेक द विक्टिम टू द नियरेस्ट डॉक्टर एज क्विकली एज पॉसिबल, और तुरंत जो है उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इफ़ यू आर वॉकिंग थ्रू एन एरिया वेयर स्नैक्स आर फाउंड, अगर आप कहीं वॉक कर रहे हो, किसी एरिया में वॉक कर रहे हो और वहाँ एक स्नैक में आता है, वियर हाई बूट्स टू प्रोटेक्ट योर फिट, तो अपने फिट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप हाई बूट्स पहन सकते हो। ऑलवेज कीप अ फ्यू इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर्स इन योर डायरी, हमेशा अपने डायरी में कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स रखिए, लाइक दोज ऑफ योर पेरेंट्स, फायर स्टेशंस, एम्बुलेंस, पुलिस स्टेशन एंड योर डॉक्टर, जैसे कि अपने पेरेंट्स का, फायर स्टेशन का, एम्बुलेंस का, पुलिस स्टेशन का एंड योर डॉक्टर और डॉक्टर का, क्योंकि ये आपकी किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में आपकी हेल्प करते हैं। डू नॉट यूज़ दीज नंबर्स अनलेस देर इज़ एन इमरजेंसी, किसी भी कंडीशन में इन इमरजेंसी नंबर्स का मतलब मिसयूज़ मत कीजिए। पुलिस स्टेशन का नंबर है 100, फायर स्टेशन का नंबर क्या होता है 101 एंड एम्बुलेंस का नंबर होता है 102। ओके,